हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी बार थोड़ा सा नीले हो रहे हैं, पिछले बार बार अभी मैंने कॉम भी नहीं किया है। तो अभी सुबह की 8:30 होने में 5-10 मिनट हैं और आज ऑफिस भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा ऑफिस टूर था थाईलैंड के लिए, तो सब तो थाईलैंड चले गए तो अभी फ़िलहाल आज और कल ऑफिस में छुट्टी है, तो मैं 2 दिन घर रहने वाली हूँ। वैसे तो खैर बोर हो गई हूँ मैं घर पर, पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यू ऐसे हो रहा। पिछले हफ्ते भी मैं ऑलमोस्ट घर ही थी और पिछले हफ्ते भी ऐसे ही रहा, तभी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, तो घर ही थी। तो बस ये 2 दिन और कट जाएँ, फिर परसों से अपना जनरल रूटीन भी फैक्ट्री में जाएंगे। और मैंने आप सबसे ऐसे कल की वीडियोस भी अपनी बताया था, हर बार तो मैं सुपारी के गणपति जी रखती थी, अब की बार शायद मैं गणपति जी लेके आऊँ। तो फाइनली मैं गणपति जी ले आई हूँ। वैसे नॉलेज तो नहीं कहेंगे कि नॉलेज नहीं है, लेकिन पहली बार करने में कुछ भी थोड़ा सा लगता ही है कि कैसे करना है। वैसे पता सब कुछ होता है कि हाँ ऐसे ही करना है, बट लेकिन बस हमसे कोई भूल ना हो, बस इतना ही हो चाहती हूँ। तो और आप लोग भी घर में कैसे कैसे करते हैं आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। और वैसे अभी तो मंदिर में है 9 बजे से, तो बस अब हम पहले मंदिर जाएंगे क्योंकि घर में स्थापना का जो मुहूर्त है वो 11:05 से 1:33 तक है, तो मैं उसी बीच में घर में करूँगी। वैसे सुबह की पूजा हो चुकी है, तो बस अब जो मंदिर जाकर, पहले मंदिर से आकर फिर हम घर पे स्थापना करेंगे। तो वो मैं मंदिर का भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, इस बार ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी अलग अलग, तो मंदिर का भी दिखाऊंगी और घर पे कैसे स्थापना करूंगी वो भी दिखाऊंगी। बस जैसा जैसा बस ठाकुर जी करवाएंगे वैसा वैसा ही मैं करूंगी, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं जानती। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। और मैं बहुत 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 खुश हूँ पप्पा के अपने घर आने से, क्योंकि मेरी कई सालों से इच्छा होती थी, पर मतलब कभी लगता था कि मुझे खुद से बनाने चाहिए इको फ्रेंडली गणपति, और कई बार लगता था कि नहीं हमारे मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मैं अपने मन को समझा लेती थी। और मैं हमें हर बार जो वो सुपारी होती थी उसको रखती थी, बट लेकिन इस बार मन में ऐसा भाव सा उमड़ा कि नहीं लेके आने हैं और अभी बनाने का टाइम नहीं है, सूखे नहीं हैं। तो वैसे मैं जो लेके आई हूँ उन्होंने भैया ने ये बोला है कि मिट्टी के हैं, बाकी तो उनका वो है, क्या कह सकते हैं। तो बस मैं ले आई इस बार और मैं बहुत 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 खुश हूँ। शायद मैं इसीलिए थाईलैंड नहीं जा पाई क्योंकि पापा को इस बार हमारे घर आना था पहली बार, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को भी अपने पापा के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आश्रम में। मत्समुद्रेण आचार्य कर्म पात्र सुसंपन्नम अस्तु सुसंपन्नम तेन जलेन आत्मानं सर्वान् पूजन सामग्रीं संप्राप्य पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु स्वभूतानि जातवेद पुनेहि माम्। विनीत भाई कहाँ? विनीत भाई कहीं? क्यों?
गौण कल्पंत तो गाइस मंदिर से मैं आ गई हूँ और अभी टाइम 10:45 का हो रहा है। तो बस आप थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, चाय बनाई है, और उसके बाद हम घर पे गणपति जी की पूजा करेंगे, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो पूरा चेहरे पे पसीना पसीना हो गया। तो बस
आप लोगों ने देखा ही आश्रम में हम लोग कैसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं। अब मैं छोटे से रूप में, उतने बड़े रूप में तो नहीं, बस छोटे से रूप में अपने प्रेम और भाव से गणपति जी को इस साल पहली बार अपने घर में बैठाने जा रही हूँ, उनका स्वागत कर रही हूँ। तो आप सब भी आइए और उनके गणपति बप्पा के दर्शन करिए। तो बस मैं चाय पी लेती हूँ और फिर इसके बाद उनकी स्वागत की भव्य तैयारी करते हैं। भव्य तो नहीं, छोटी सी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैं बना रही हूँ सबसे पहले जो ये पूजा का स्थान है जहाँ पर मैं गणपति जी को स्थान दूंगी, विराजूंगी, वहाँ के लिए बंदनवार। तो बस वो बंदरमार बनाकर मैं उसको पहले वहाँ पर लगाऊंगी और उस जगह को साफ़ करके फिर उसके बाद बाहर के लिए बंदरवान बनवाऊंगी। ये बंदरवान बनाकर अब मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर इस उसमें लगा रही हूँ और इसको इसके बाद यहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाकर पूरा और स्थान देकर उनको गणपति जी को विराजा जाएगा। और फिर उसके लिए उसके बाद मैं बाहर के लिए जो चौखट होती है वहाँ के लिए बंदरवार बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। और बस सारा काम करके अब यहाँ पर हमने अपने गणपति जी को स्थान दे दिया है। पहले रेड कलर का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर फिर चौकी रखी और चौकी के ऊपर गणपति जी को विराजा है। तो अब बस अब हम इनकी पूजा करेंगे। इनको पहले शुद्ध गंगा जल से हल्का सा स्नान कराएंगे, तो उसके बाद दूध से, और फिर उसके बाद इन्हें तिलक लगाएंगे और इनको जनेऊ वगैरह जो भी पूजा जिस तरह से होती है, एक छोटी सी घर पे आप जिस तरह से भी कर सकते हैं उस तरह से एक छोटी सी पूजा करेंगे और उसके बाद हम इनको तिलक वगैरह लगा के फिर लास्ट में हम आरती करेंगे।
बस यहाँ पर गणपति जी को हमने तैयार कर लिया है, बस उन्हें फूलों से सजा रहे हैं, इत्र वगैरह लगा रहे हैं उनको। फिर अब ये पूरे हमने उनको जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, जैसे फलों का और लड्डू, वैसे उनको मोदक बहुत पसंद होते हैं। मैं देखती हूँ अगर मैं किसी दिन मोदक बना पाई तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, मेरी दिल से इच्छा कि मैं बनाऊँ। तो वैसे लड्डू का और पान का और फलों का उनको भोग लगा लिया है। उसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आरती करते हैं। आप लोगों ने दर्शन भी कर लिए, दर्शन वैसे हो नहीं पाए होंगे अभी क्योंकि हम पूजा कर रहे थे, तो सामने से शायद दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी वीडियो चेक भी नहीं की है। और बीच में लाइट भी चली गई थी, वैसे इन्वर्टर है तो थोड़ा ही लाइट आ रही थी, तो उस समय शायद वीडियो बन भी नहीं पाई ढंग की। बट लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ, पहली बार इतने, बस उनको आना था इसलिए शायद मैं नहीं जा पाई। और बस गणपति बप्पा आए हैं और 10 दिन 11 दिन मतलब 11वें दिन विसर्जन होता है, तो इतने दिन हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। और चलिए पहले आपको अपने गणपति की दर्शन कराती हूँ, और आप सभी आइएगा, दर्शन करिएगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको मैं यही वीडियो पे दर्शन कराती हूँ। चलिए तो गाइस, अब मैंने आपको अपने गणपति जी के दर्शन भी करा दिए हैं, आश्रम के भी गणपति पूजा का मैंने आप। हेलो गाइस, तो मैंने अभी आज आप सभी को अपना सुबह से वीडियो शूट किया था, तो आप सभी को दिखाया मैंने कि हमारे यहाँ आश्रम में कैसे
पूजा होती है और घर पे कैसे होती है। वैसे वीडियो थोड़ा सा प्रॉपर आश्रम में बन नहीं पाया क्योंकि मैं आज ट्राइपॉड ले लेंगी थी, तो जितना भी बना जैसा भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आश्रम में तो हम लोग पिछले 5-6 सालों से ऐसे कर ही रहे हैं, पूजा हर बार होती है वहाँ पर, पूजा बस सब मिलकर पूजा होती है वहाँ पर। और घर पर मैंने इस बार, जैसा कि पहले ही बताया कि पहली बार की है, मतलब करती थी हर बार लेकिन मतलब मूर्ति नहीं लेके आती थी, तो मैं इस बार पहली बार मतलब प्रॉपर लेके आई हूँ और उनके छोटा सा अपनी तरफ से जैसा वो चाहते थे उस तरह से उनका छोटा सा मैंने उनका भी पूजन किया है अपने घर पर भी, वो भी आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे नाम के नीचे जो रेड कलर का बटन आता है सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उस पर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन आती है, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। तो चलिए अब इस वीडियो का ही एंड कर देते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।